सुप्रभात सभी को, मैं रेशमा परवीन। आज का विशेष वन संरक्षण। वन प्राणियों के लिए कितने आवश्यक है ये सभी को पता है। कहा भी गया है कि वन ही जीवन है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। वन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वन पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखता है और इस प्रकार वन ग्रह पर एक स्वरूप वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि आरंभ से लेकर आज तक वनों की आवश्यकता उपयोगिता बनी रही है, आगे तक वनों की आवश्यकता बनी रहेगी, किंतु मानव शिक्षित ज्ञानी होते हुए भी लगातार वनों को काटकर प्रकृति का धरती सारी मानवता को असंतुलन बिगड़कर सभी को तहस नहस करके रख देना चाहता है। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में मगन होकर हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वनों का निरंतर कटाव जारी रखकर हम वनों को उचित संरक्षण एवं संवर्धन न देकर प्रकृति और मानवता तथा अपनी ही आने वाली पीढ़ियों का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। वन बने रहेंगे तभी धरती पर उचित मात्रा में वर्षा होगी, नदियों की धारा प्रवाहित हो रहेगी, पहाड़ों और धरती का क्षरण नहीं होगा। सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा होते रहेगी। अनेक खनिज प्राप्त हो रहे हैं, वे भी प्राप्त होते रहेंगे। वनों की उपयोगिता जैसे सदियों पहले थी आज भी वैसे ही है और आने वाले प्रत्येक वर्ष में रहेगी। वन तो ऐसे सच्चे मित्र हैं कि वे प्राणी के खतरों को स्वयं ग्रहण करके उनके लाभ प्रदान करते हैं। वनों की कटाई की समस्या किसी एक की समस्या नहीं है अपितु संपूर्ण प्राणी जगत की समस्या है। यदि इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया गया तो पूरा प्राणी जगत समाप्त हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक युग के विकास के बाद से दुनिया भर के लगभग आधे जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। आने वाले समय में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। वन मानव जाति के लिए एक वरदान है। वन प्रकृति का एक सुंदर सृजन है। भारत को विशेष रूप से कुछ सुंदर जंगलों का आशीष मिला है जो पक्षियों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए घर है। वन के महत्व को पहचाना जाना चाहिए और सरकार को वनों की कटाई के मुद्दे पर नियंत्रण के लिए उपाय करना चाहिए। पेड़ लगाने के बराबर संसार में कोई भी कार्य नहीं है। वर्तमान में कुछ माह और कुछ सप्ताह पूर्व जैसा कि हम सबने देखा कि दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राजील में अमेजन की जंगलों में आग लग गई जिसके कारण कई मानव प्रजाति जीव और जंतुओं को क्षति पहुंची। इसके भरपाई के लिए कई सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। जब होंगे पेड़ सुरक्षित तभी होगा हमारा कल सुरक्षित। धन्यवाद।